देहरादून राजधानी दून के संतला देवी मंदिर के आसपास शराबी उत्पादों तत्वों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। वार्ड 5 के पार्षद चुन्नीलाल जो कि परिवार समेत दर्शनों के लिए गए हुए थे मंदिर परिसर से ही निकट के उत्पादों ने मामले विवाद के दौरान मारपीट करते हुए जानलेवा हमला कर फरार हो गए। यह सूचना पार्षदों में तेजी से फैल गई। नाराज पार्षद चुन्नीलाल के समर्थक में बदमाशों को अरेस्ट करवाने की मांग को लेकर कैंट थाने पहुंचे पार्षद भूपेंद्र कठैत ने बताया कि जनप्रतिनिधि पर हमला होने से साफ पता चलता है कि आम आदमी कितना सुरक्षित है। ये सिर्फ एक गाड़ी साइड करने के लिए बोलने के बस इतना ही बोला गया था कि गाड़ी आराम से निकाल लो, तो उतना ही बोलने में पीछे से मारा उन्होंने डंडा, मोटा डंडा मारा। उसके बाद उन्होंने और लड़के बुला के मारा मारी शुरू करी और उन्होंने बच्चों को भी और किसी को भी नहीं छोड़ा, सबको धक्का मुक्की करके और वो औजार लेके आ रखे थे। बाद में कॉल की थी, 3-4 बार कॉल की थी, पर सबने करी कॉल पर कोई आया ही नहीं टाइम पे। हम 2-3 घंटे वहां फंसे रहे। उनको सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो वो किसी को जान से ही मार देंगे। हम भी बच के नहीं आते कल वहां से, मतलब जान उन्होंने हमारी जान ले ही ली थी। हम वहां से घर भी नहीं आ पा रहे थे, 2-2, 3-3 घंटे हम वहां पे इंतजार देखते रहे कि कोई आएगा हमें बचा के लेके जाएगा। देखो जी, हम 20-25 साल से वहां पे हर साल जाते हैं। हमारा 25 दिसंबर को पूरा गाँव के लोग वहां जाते हैं। इस बार भी हम उसी उपलक्ष्य में वहां जा रहे हैं 25 दिसंबर को, और जिसमें कि हम ये ऊपर मंदिर से दर्शन करके आए नीचे, और दर्शन करने के बाद जैसे ही हम नीचे आए तो दर्शन करने के बाद हमने एक ही दुकान से, हमने सब बच्चों के लिए बोलते हैं कि एक ही दुकान से हम सामान ले लो, जो सामान अपना बिल पे कर देंगे वहां से। तो बच्चों ने अपना हम बिल पे करने गए तो इतने में देखा तो हमारे बच्चों के साथ बदतमीजी हो रही थी, उन्हें कोई किसी को धक्का दे रहा था, इधर को धक्का दे रहा था, कोई उधर धक्का दे रहा था, कोई हमारे छोटे वाले को भाई को मार रहे थे। तो उस चक्कर हमने बीच बचाव करा तो उन्होंने सबको मारना शुरू कर दिया। देखो जी, पुलिस प्रशासन को हमने 100 नंबर पे बहुत बार कॉल करा, जिसको कि उनके वहीं के दबंग के लोगों ने बीच में पुलिस को बीच में रोक लिया था, जिससे कि वो पुलिस टाइम पर नहीं पहुंच पाई और हम बिल्कुल असहाय वहां बैठे हुए थे। देखो जी, हम तो हमारे हिसाब से तो वहाँ पुलिस चौकी खुलनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से वहाँ टूरिस्ट आता है जाता है उस हिसाब से वहाँ पे पुलिस चौकी होनी चाहिए, जिससे भविष्य में ये घटना न हो पाए। देखो जी, सरकार सुरक्षा क्यों देगी, सुरक्षा देने का तो पुलिस प्रशासन का है, उन्हें पुलिस प्रशासन को सुरक्षा देनी चाहिए और वहाँ पे कि एक चौकी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे कि भविष्य में अन्य हमारे जैसा हमारे साथ हो चुका है किसी और के साथ ना हो। तो जी, मुकदमा अभी वो 4 लोग पकड़े गए थे, जिसमें कि उसमें से मेन अभियुक्त नहीं पकड़ा गया था और उसमें भी अभी वो जमानत पे बात कर दी है। वहीं वार्ड 25 के पार्षद मनोज जाटव ने पार्षद के साथ हुई मारपीट पर नाराजगी जाहिर की और पुलिस के ऐसे रवैये को गलत ठहराया। देखिए, हम हर वर्ष की हर साल 25 दिसंबर को वहाँ पर जाते हैं दर्शन करने, तो हर साल हम जब जाते हैं तो ऐसा तो कुछ नहीं, कल ही हुआ हमारे साथ। हम घर जा रहे थे सब अपने दर्शन करने के बाद, तो हम घर गए तो इतने में जो है पीछे से दो लड़के आए, उन्होंने कहा भाई थोड़ा गाड़ी आगे कर ले, तो हमने कहा लगा रहे हैं थोड़ा सा, और वो बदतमीजी उतर गए। इतने में मेरे पीछे से उतरा, उसने मेरे साथी जो है कमल प्रसाद जी को जोरदार लकड़ी से पीछे से वार किया, और फिर हमने बीच बचाव करते हुए को हटाया, छान किया, तो इतने में उनके 2-4 लोग और आ गए, तो इतने में हाथापाई हो गई। फिर स्थिति वाली हो गई थी, मरता क्या ना करता, तो हमने भी बीच बचाव किया। फिर हमारे पार्षद जी भी घायल हो गए इसमें, और जी मेरे सर में 2 जगह चोटे, तो जहाँ पे 4 टांके आए और एक इस तरफ है और हाथ में फ्रैक्चर है। स्थिति यह थी कि अगर हमारी वाइफ महिलाएं हमारे साथ ना होती तो शायद हम जिंदा ना होते आज। मैं चेस्ट चोटे, मेरे एक हाथ में फ्रैक्चर हो रखा है, कंधे में है, चेस्ट में, मेरे सर में मेरे चोट लगी है। डंडे लेके आए थे, रोडे लेके आए थे, चक्कू चुक्कू थे उनके पास, हमारे बच्चों को नहीं छोड़ा, हमारी बीवी को भी बहुत मारा उन्होंने। ये तो रंजिश ही है, और दुकानदारों ने हमारे वहाँ पे सपोर्ट नहीं करा हमें, वहाँ पे किसी ने भी। तो मैडम देखिए, वहाँ पे एक तो चौकी खुलनी चाहिए सबसे पहले, सबको दुकानदार को भी सपोर्ट नहीं मिलता वहाँ से किसी का भी,